नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी समास का भाग चौथा वीडियो। इससे पहले हम इसके तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस वीडियो में भारत की राजभाषा हिंदी विषय के अध्याय समास के अंतर्गत समास के प्रकार में बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास का उदाहरण सहित वर्णन किया गया है। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास शब्द के दोनों पद अप्रधान हों, यानी जो भी, जैसे कि नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ हमारा समस्त पद होगा। इसमें दो पद होते हैं, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। पूर्व पद हमारा पहला पद होता है, जिसमें बात हो रही है कि अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, यानी कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो तीसरा अर्थ हमारा आ जाएगा, तो हम वह देखते हैं कि नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव, यानी भगवान शिव के बारे में बात हो रही है, यानी हमारा कोई तीसरा आ बैठा है, यानी तीसरा पद प्रधान हो गया है। और यह हमारा जो है वो क्रमधारय समास का भी उदाहरण होगा, लेकिन नीला है कंठ, बस इतना ही। यदि हम बात करें तो यह क्रमधारय समास होगा, यदि अर्थात शिव के बारे में बात करें तो। ये क्या है कि यदि दोनों ही बहुव्रीहि समास में नीलकंठ और उसमें क्रमधारय समास एमसीक्यू रूप में आ जाता है, तो हम इसे क्या है, बहुव्रीहि समास जो नीलकंठ होगा, हम बहुव्रीहि समास को टिक करेंगे। क्योंकि टिक वहां करेंगे दोस्तों बहुव्रीहि समास को, जहां पर कि जैसे कि नीला है कंठ अर्थात शिव, अर्थात यूनिक हो, कोई चीज यूनिक हो तो उसमें बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। चक्रपाणि, चक्र है पाणी हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु, जी हाँ विष्णु भगवान, तो ये भी बहुव्रीहि समास होगा। तो एक उदाहरण में एक से अधिक समास हो सकते हैं, लेकिन सटीकता से उनकी पहचान होती है। हम सीखते हैं बहुव्रीहि समास का पहचानना। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता है। विग्रह करने पर समूह का बोध नहीं होता है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है और नया नाम सामने आता है। इसका विग्रह शब्दों या पदों में ना होकर वाक्यों में होता है। पहला पद प्रायः कर्ता कारक होता है, इसे आप ध्यान रखें। तो ये है जो है वो बहुव्रीहि समास के पहचानने के तरीके। देखते हैं हम अगला, इस समास से बने पद विशेषण होते हैं, इसलिए इनका लिंग विशेष के अनुरूप होता है। जी हाँ, जो भी पद होंगे वो विशेषण का अर्थ देंगे और जो लिंग होगा वो विशेष के अनुरूप होता है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है, उसका शब्दार्थ और भिन्न अर्थ प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास क्रमधारय समास और द्विगु समास के उदाहरणों में समानता देखने को मिलती है, जिसमें हम अधिकतर अर्थ के अनुसार बहुव्रीहि समास को प्रधानता देते हैं, लेकिन हम उसका अर्थ देख लेंगे कि उसमें अर्थ यूनिक है कि नहीं है। बहुव्रीहि समास का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो इसमें पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है वो अप्रधान या अर्थ, जिसे कि गौण कहते हैं। उत्तर पद जो द्वितीय पद अप्रधान, ये भी अर्थ और गौण होता है। अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें बहुव्रीहि समास होता है। बात करें हम इसके बहुव्रीहि समास के उदाहरणों की, तो लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात श्री गणेश भगवान। जी हाँ, क्या श्री गणेश भगवान के अलावा भी किसी का लंबा उदर हो सकता है? यदि हो सकता है तो उसमें क्या है, वह क्रमधारय समास भी होगा और बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन हम उसे क्रमधारय समास को प्रेफरेंस देंगे। दोस्तों हम इसका अलग से बहुव्रीहि और क्रमधारय समास के जो कॉमन उदाहरण होते हैं उनका अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको अंतर समझाएंगे। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास होगा। महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान जी। जी हाँ, चतुर्भुज, चार भुजा है जिसकी, अर्थात श्री विष्णु भगवान। पीतांबर, पीत है अंबर, जिसका, अर्थात श्री कृष्ण भगवान।
निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। जी हाँ दोस्तों, राक्षस के अलावा और भी हो सकते हैं इसके, तो वैसे हम इसे अर्थात राक्षस कह रहे हैं। घन श्याम, जी हाँ घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण भगवान। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव भगवान। मुरलीधर, मुरली बजाने वाला अर्थात श्री कृष्ण भगवान। गिरधर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला अर्थात श्री कृष्ण भगवान। जी हाँ जो गिरधर में हो रहा है तो यह यूनिक है, भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी ने जो है पर्वत नहीं उठाया। गोवर्धन पर्वत, जो गोवर्धन पर्वत की बात हो रही है उसको किसी ने नहीं उठाया है, तो इसमें बहुव्रीहि समास की प्रधानता होगी। चंद्रमौली, चंद्र है सिर जिसके अर्थात भगवान शंकर भोलेनाथ। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी अर्थात ऋषि। तो दोस्तों कोई सा भी ऋषि हो सकता है, तो उसमें क्या है, यदि हम महात्मा के बारे में बात होगी तो उसमें हम कर्मधारय समास को जो है वो प्रधानता देंगे, क्योंकि यदि ऋषि किसी का नाम लिया जाता है, यदि वह यूनिक होता है तो हम क्या है बहुव्रीहि समास को देंगे। मैं इसलिए अंतर रिलेट कर रहा हूं क्योंकि यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महादेव, महान, महादेव महान है जो देवता अर्थात शिव शंकर भगवान। तो दोस्तों क्या महादेव ही शिव शंकर भगवान है? जी हाँ, महादेव केवल भगवान शिव शंकर को ही बोला जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। घन श्याम, घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री, घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण भगवान। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर अर्थात शिव शंकर। जी हाँ, जिसके शिखर पर चंद्रमा है वो केवल शिव शंकर भगवान ही हैं, तो इसमें बहुव्रीहि समास को प्रधानता होगी। गजानन, गज के समान आनन है जिसका अर्थात श्री गणेश भगवान, तो गजानन केवल श्री गणेश भगवान को ही बोला जाता है दुनिया में। चतुरानन, चार आनन है जिसके अर्थात ब्रह्मा जी भगवान, तो ये भी जो है वो ब्रह्मा जी भगवान ही होंगे। सुलोचना, सुंदर नयन वाली अर्थात मेघनाथ की पत्नी। जी हाँ दोस्तों, तो सुंदर नयन वाली यदि बात करें तो मेघनाथ की पत्नी की ऐसी बात करें तो वह सुलोचना ही बोला जाता था उसे, और इसमें कर्मधारय समास भी होगा सुलोचना में, बस बात होगी सुंदर है नयन जिसके, तो यहाँ पे जिसके में मेघनाथ की बात हो जाएगी, तो इसमें क्या है कि हम बहुव्रीहि समास को ही प्रधानता देंगे क्योंकि मेघनाथ की पत्नी को ही सुलोचना बोला जाता था। बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण देखते हैं कि पतझड़, जिससे पत्ते झड़ते हैं अर्थात वृक्ष, तो कौन सा वृक्ष, तो दोस्तों इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या है बहुव्रीहि समास तो है ही, लेकिन क्या है हम इसमें कर्मधारय समास को जो है वो प्रधानता देंगे। पतिव्रता, एक पति का व्रत लेने वाली अर्थात पत्नी, कौन सी पत्नी, ध्यान दें दोस्तों है तो बहुव्रीहि समास लेकिन कौन सी पत्नी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला अर्थात कोई दुष्ट, तो इसमें कोई क्या है यूनिक चीज नहीं आ रही हमें तीन उदाहरणों में, तो उसमें यदि हम कर्मधारय समास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाएगा तो हम कर्मधारय समास को जो है प्रधानता देंगे। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर अर्थात माँ सरस्वती जी। जी हाँ, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, तो माँ सरस्वती जी, तो हम इसमें बहुव्रीहि समास को जो है वो प्रधानता देंगे। अंशुमाली, अंशु किरणमाली अर्थात सूर्य। जी हाँ, इसमें क्या है कि बहुव्रीहि समास होगा। तपोधन, तप ही धन है जिसका अर्थात तपस्वी, कौन सा तपस्वी दोस्तों, लेकिन इसमें अभी तो होगा बहुव्रीहि समास, अब ध्यान दें। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु अर्थात श्री विष्णु भगवान, यदि हम विष्णु भगवान की बात करें तो दीर्घ बाहु बोले उन्हें बोला जाता है। आजान बाहु, आजान लंबू लंबी बाहु है जिसकी अर्थात श्री राम भगवान। जी हाँ दोस्तों, तो हम श्री राम भगवान को कह सकते हैं तो हम विष्णु भगवान को भी कह सकते हैं दोस्तों, तो ये यूनिक में होगा क्या, जी नहीं होगा। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु है जिसकी अर्थात एक राक्षस, कौन सा राक्षस है, तो यह बहुव्रीहि समास के क्योंकि अर्थात लग रहा है और तीसरा पद प्रधान हो रहा है, लेकिन जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे तो उसमें कुछ अलग जो है वह नजारा होगा। पंकज, पंख कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, तो ये तो क्या है कमल, यह बहुव्रीहि समास होगा। बारह सिंगा, बारह सिंगों वाला अर्थात एक जानवर, कौन सा जानवर दोस्तों, लेकिन बात यह है कि बारह सिंगों वालों को क्या है कि यह बारह सिंगा ही बोला जाता है, इसे बारह ही सिंगा होगा, तो ये बारह सिंगा के रूप में बहुव्रीहि समास होगा। अष्टाध्यायी, आठ अध्याय है जिसके अर्थात पाणिनि की जो है वो व्याकरण है, तो इन सभी में
जो है हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। अब बात करेंगे हम द्वंद्व समास की। तो जिस समास के दोनों पद पूर्व पद एवं उत्तर पद प्रधान हो और समास विग्रह करके और अथवा यादि शब्द दोनों पदों के बीच में आए, वहां पे हम द्वंद्व समास होता है। जैसे कि पाप पुण्य और ये जो अजैन का जो योजक का शब्द लगा है वह समस्त पद में लगा होता है। जब इसका विग्रह करेंगे तो और युक्ति या अथवा लगा होगा। तो पाप पुण्य, पाप पाप और पुण्य, दोस्तों अन्न जल, अन्न और जल ध्यान दें, तो ये क्या होगा, ये दोनों पद प्रधान है। अन्न भी जो है वो प्रधान है और जल भी प्रधान है, पाप भी प्रधान है और पुण्य भी प्रधान है, तो इसमें जो है वह द्वंद्व समास होगा। बात करें द्वंद्व समास के पहचानने की, तो जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यह तो इसकी पहचान हो गई, वो भी समास विग्रह से हम इसकी कर सकते हैं। जिसमें समस्त पद और समास विग्रह के बीच केवल विभक्ति का लोप होता है। जी हाँ दोस्तों, द्वंद्व समास में दोनों पद विपरीत अर्थ के भी हो सकते हैं, दोनों समास विपरीत अर्थ के भी हो सकते हैं। इस समास के दोनों पदों का संग जोड़ा सा प्रतीत होता है। जी हाँ, संग जोड़ा सा प्रतीत होता है, तो उसमें क्या है कि द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के हम भेद करें तो इसके तीन मुख्य भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास और तथा एवं का लोप होता है। समाहार द्वंद्व समास पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसके अन्य अर्थ का ज्ञान होता है, तो समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व समास या अथवा का लोप होता है, लोप दर्शाता है, तो यह वैकल्पिक द्वंद्व समास होते हैं। तो यह एक भेद के बारे में हमारी सामान्य पहचान थी। तो द्वंद्व समास के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो पूर्व पद पहला पद प्रधान अर्थ होगा, द्वितीय पद वो भी प्रधान अर्थ होगा, और जो दोनों पदों को जोड़ने, इन दोनों पदों के अलावा दोनों पदों के जोड़ने वाले समुच्च का लोप हो जाता है, उसे क्या होता है वहां पे द्वंद्व समास होता है। और होगा, या होगा, एवं होगा, अथवा होगा, या क्या है दोस्तों, इस प्रकार की विभक्ति होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण में पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश, इन दोनों पदों की प्रधानता है। पृथ्वी भी अपने आप में एक अर्थ दर्शा रहा है, आकाश भी अपने आप में एक अर्थ दर्शा रहा है। उसके बाद सत्य असत्य के बारे में बात करेंगे, तो सत्य या असत्य, आंधी तूफान, आंधी और तूफान, लाभ हानि, लाभ या हानि, जलवायु, जल और वायु, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, क्योंकि भीम अलग थे और अर्जुन अलग थे। तो दोस्तों यह बात करें हम सीताराम, जी हाँ सीताराम भगवान के बारे में बात करें तो सीता जी अलग थी और राम भगवान अलग थे। सुख दुख, सुख और दुख, सुख अलग है, दुख अलग है, गुण दोष, गुण और दोष, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म, नर नारी, नर और नारी, तो इस प्रकार के ये द्वंद्व समास के हमारे उदाहरण हैं। रात दिन, रात और दिन, आना जाना, आना और जाना, आयत निर्यात, आयत और निर्यात, दूध दही, दूध और दही, गंगा जमुना, गंगा जमुना या अमना, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। हाँ दोस्तों, ऊपर और नीचे कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। बात करें हम देश विदेश, देश और विदेश, माता पिता, माता और पिता, दाल चावल, दाल और चावल, नदी नाले, नदी और नाले, चाय कॉफी, चाय या कॉफी, भला बुरा, भला या बुरा, ध्यान दें दोस्तों, भला होगा या बुरा होगा। बात करें हम अस अपयस की, तो यस और अपयस, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, भाई बहन, भाई और बहन, वेद पुराण, वेद और पुराण, जी हाँ वेद अलग होते हैं और पुराण अलग होते हैं, लेन देन, लेन ऑन देन, खरा खोटा, खरा या खोटा कहते नहीं है, खरा और खोटी सुनाई तो, या खरा कह दो या खोटा कह दो दोस्तों। तो दोस्तों हमने यह क्या द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में हमने देखा, भाग चौथा हिंदी व्याकरण समास का, जिसमें हमने व्याकरण के रूप में समझने की कोशिश की है। और दोस्तों हम इसके प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे और इसमें जो अंतर होता है पहचानने की, जो ट्रिक होती है, उसके भी हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए क्या है फायदेमंद होंगे दोस्तों। तो हम इसके वही बात हम इसमें कह रहे हैं, लिख के कह रहे हैं कि जो कर्मधारय और द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, इसके बारे में जो अंतर होगा उसका हम जो अगला वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा हिंदी समास का भाग पांचवा वीडियो होगा, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास में अंतर। दोस्तों यदि आप हमारे कैरियर डेस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस प्रकार के अच्छे से अच्छे और वीडियो मिलते रहें और आप उन्हें जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें और आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। आप
हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें यदि आपको पसंद आते हैं तो। दोस्तों हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।